वेलकम टू टेक रिव्यू 9.0। सबसे पहले थोड़ा मोबाइल की झलक दिखा दें। पॉप सॉकेट कंपनी का मैंने लगाया है पॉप वॉलेट एंड पॉप ग्रिप। पॉप वॉलेट के अंदर मैंने रखा है अपना बॉक्स नाइफ और अपना NIC कार्ड, और पॉप वॉलेट के ऊपर आपको एक पॉप ग्रिप नजर आ रही है। ये दोनों चीज़ें ना कस्टम प्रिंट करवाई है मैंने पॉप सॉकेट से। पॉप वॉलेट तो पुश करने से आराम से उतर जाता है, ताकि आप वायरलेसली मोबाइल को चार्ज कर लो। ये सिलिकॉन केस है, मेरा दोस्त है था कस्टम एरा वाला, मैंने उससे प्रिंट करवाया। बड़ा मजेदार सा उसका बिजनेस है, उसका पेज टैग किया, आप जाकर उसको चेक करें। सिलिकॉन कवर के नीचे मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ है स्लिक रैप कंपनी का, ऐसे लगता है जैसे आपका मोबाइल पीछे से ट्रांसपेरेंट है। आज का टेक रिव्यू पिछले जितने भी रिव्यूज आए ना, उन सब में से बहुत यूनिक और उन सब में से सबसे ज्यादा टेस्टी है। आज जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, इनके स्वाइप अप में इनके लिंक्स नहीं डाले, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है यसिन पाकिस्तान के नाम से, वहां पे मैं इसकी प्रॉपर डिटेल दे दूंगा, प्रोडक्ट का नाम भी साथ लिख दूंगा, तो आपको हमेशा के लिए आसानी होगी चीज कहाँ से मिलनी है और कितने की मिलनी है। स्टार्ट करते हैं हाशमी फोटोज से, जो मैंने खरीदी है एक पोर्टेबल कैमरा लाइट, और ये कॉर्डलेस होती है, इसके अंदर बैटरी होती है और ये वीडियोज बनाने के लिए बहुत काम आती है। काम के साथ साथ कभी कभी थोड़ा जादू भी हो जाता है। आप में से बहुत से फोटोग्राफर्स इस प्रोडक्ट से फेमिलियर होंगे। जैसे तो इस बॉक्स की पैकेजिंग है ना, अगर मैंने जिंदगी में कभी कसाईयों को खाल उतारते ना देखा होता, तो मैं कभी भी इसको अनबॉक्स ना कर सकता। जब से YouTube आया तब से आपको मैनुअल इंस्ट्रक्शंस रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट को चार्ज करने के लिए एक साथ मिलती है माइक्रो USB, और लाइट के साथ इन्होंने और भी कुछ एसेसरीज दी हैं, जरा उन पे भी एक नजर मारें। लाइट को अगर DSLR के साथ आपने लगाना है तो एक कैमरा माउंट है, और अगर आपने मोबाइल के साथ इसको अटैच करना है तो एक एसेसरी है। इन पे मैं बाद में रिव्यू देता हूं। तो ये है लाइट इटसेल्फ, इसके आगे एक डिफ्यूजर प्लेट लगी हुई है जो उतर भी जाती है, और लाइट की बैक साइड के ऊपर आप देखें और साइडों पे देखेंगे तो एयर वेंट्स हैं, ताकि ये लाइट जब चलती रहे तो ये जरा ठंडी रहे। नीचे कैमरा माउंट है एक, और इसके साइड पे एक स्विच है और साथ एक माइक्रो USB बटन है। जब आप डिफ्यूजर उतारे तो नीचे आपको इसकी शायद कोई 100 LEDs हैं वो नजर आती हैं। लाइट ऑन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, बस पावर ऑन ऑफ करें। लाइट के कॉर्नर के ऊपर एक स्पिनिंग व्हील है, उसको आगे पीछे करने से लाइट तेज कम होती है। थोड़ी सी नजर डालते हैं इसकी मोबाइल एक्सेसरी के ऊपर। मोबाइल एक्सेसरी अटैच करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, और इसके अंदर आप अपना मोबाइल अड़ा सकते हैं और लाइट वाली साइड अपनी फेस की तरफ रख सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाने के लिए, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं। मैं फिर से रिमाइंड कराता चलूं कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ना, इनके जो बाय लिंक्स हैं ना, वो आपको यूट्यूब वीडियो में मिल जाएंगे। विक्टोरिनॉक्स कंपनी का एक स्विस कार्ड आता है, उसकी तरह की ही मिलती जुलती इन्होंने ये चीज बनाई है। इसमें एक फॉक है और एक नाइफ है। नाइफ इसकी थोड़ा सा मजे की है, इसके अंदर इन्होंने बॉटल ओपनर भी ऐड किया है और साथ थोड़ा सा एलन कीज भी ऐड किए हैं। ये है जिपो कंपनी का हैंड वार्मर, ये इलेक्ट्रिक हैंड वार्मर है। इसके बाद भी एक आपको हैंड वार्मर देखने को मिलता है, वो भी जिपो कंपनी का, बट वो फ्लूइड वाला है। हैंड वार्मर की जो बॉडी है ना, वो एल्युमिनियम की बनी है। इसके साथ एक माइक्रो USB वायर मिलती है, जिसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो। हैंड वार्मर एक पावर बैंक भी है। इसकी शेप आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी, बिकॉज ये आपके हाथ की शेप के हिसाब से इन्होंने बनाया है। राइट साइड पे इसकी माइक्रो USB पोर्ट है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। फिर एक टाइप ए USB पोर्ट है, जिधर से आप इसको पावर बैंक बना सकते हैं। पावर बटन एक दफा दबाने के बाद बैटरी लेवल चेक होता है, और अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं ना, फिर इसका हैंड वार्मर मोड ऑन हो जाता है। जितनी दफा बटन दबाएंगे उतनी मरतबा ये उतना लेवल ऊपर जाएगा और उतना ही गर्म होगा। इसकी खास बात तो ये भी है कि ये -20 से लेकर ना 50 डिग्री वाले टेम्परेचर तक कामयाब है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, और इसके लिए मैंने काफी वेट भी किया है। ये मैग्नेटिक सिस्टम है, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर तक रिव्यू देता हूँ, मगर पहले इसके शीशे देख लें। सोलर पावर बैंक जो है ना, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट इसको इम्प्रूव होते हुए काफी टाइम लगा है। आप जो ये वाला पावर बैंक देख रहे हैं ना, इसमें बहुत फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसके साथ एक लैनियर और कैराबाइनर होता है इसको हैंग करने के लिए, और बॉक्स के अंदर इसके बाद आपको मिलता है साथ एक पावर बैंक और कुछ इंस्ट्रक्शन। पावर बैंक को वाटरप्रूफ बनाया है, और इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको मिलता है एक सोलर पैनल। पावर बैंक की साइड के ऊपर एक USB टाइप सी इनपुट है, और इसकी दूसरी साइड के ऊपर एक पावर बटन है, और टॉप के ऊपर एक छोटी सी टॉर्च है। अब चलते हैं मेन पावर बैंक के इनपुट की तरफ। सबसे पहले आपने ये ऊपर से कवर उतारना है, जो कि वेदर टाइट है। आगे आपको 3 पोर्ट्स मिलते हैं, एक इसको चार्ज करने के लिए माइक्रो USB है, और 2 डिफरेंट USB टाइप ए पोर्ट्स एंड डिफरेंट वोल्टेजेस के हिसाब से। पावर बटन 2 दफा दबाने से ना आप इसकी टॉर्च ऑन कर सकते हैं, और इसको सिंगल दफा दबाने से ना इसका बैटरी इंडिकेटर चेक हो जाता है। पावर बैंक का जो सबसे आखिरी और मजेदार फीचर है ना, वो है वायरलेस चार्जिंग। आप किसी भी वायरलेस चार्जिंग इनेबल्ड फोन को इस पर रख के चार्ज भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड के बाद 2nd नंबर पे मेरा सबसे फेवरेट पावर बैंक ये है। ये है नोमैड कंपनी का पावर बैंक, और ये इस वीडियो का भी 3रा पावर बैंक है। इस पावर बैंक का नाम है बैटरी केबल। ये पावर बैंक जो है ना, वायर के अंदर इंटीग्रेटेड है, और इसकी वायर भी बहुत हाई क्वालिटी के केबलर मटेरियल की बनी है। इस वायर के बेसिकली 2 फीचर्स हैं। एक तो आपकी रेगुलर वायर की जगह इस्तेमाल हो सकती है, और सेकंडली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको एज अ पावर बैंक भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको चेक कराता हूँ। आप इस वक्त टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है। इस बैटरी केबल का सबसे यूनिक फायदा यह है कि तार और पावर बैंक इकट्ठे ही रहते हैं। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ जो पिछले 10 दिन से यूज कर रहा हूँ, और इसने अच्छा खासा मेरी जैकेट को गर्म रखा होता है। गालिबन ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसके साथ ना आपको एक छोटा सा कंटेनर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसका टाइम सेट करते हो कितनी देर तक आपने ना हीटर को ऑन रखना है। हैंड वार्मर के साथ आपको एक पाउच मिलता है, जो कि सिर्फ इसके स्क्रैचेस से इसको बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका एक बड़ा अहम पर्पस है। हैंड वार्मर के साथ एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी स्टिकर के ऊपर कि आप इसके अंदर सिर्फ जिपो कंपनी का ही फ्लूइड यूज करें। होता तो वैसे ये सिंपल मिट्टी का तेल,
बट जब मार्केट से ऑलरेडी जिपो कंपनी का फ्लूड मिल रहा है तो क्यों ना इसी को यूज करें। कंटेनर पे जैसे आप देख रहे हैं 12 ओवर लिखा है, मैंने इसको फर्स्ट ट्राई के लिए ना हाफ फिल किया, फिर कंटेनर की हेल्प से ना जहाँ पे इन्होंने गाइड किया होता है ना इसके अंदर आपने सारा फ्लूड फेंक देना है। असल में इसके अंदर थोड़े से कॉटन बॉल्स होते हैं जिसके अंदर ये मिट्टी का तेल अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इसकी फायर कैप ऊपर लगाकर ऑन ईच साइड आपको 10 सेकंड के लिए लाइट करना है, फिर ये कोई 5 या 10 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिपो हैंड वार्मर गर्म होने लग पड़ता है। और खासकर जिस तरह की आजकल सियालकोट में सर्दी है ना उसके हिसाब से तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे कि आपने कभी पहले टेक जैकेट देखी होगी हमारी, अभी भी वो इन प्रोसेस है, बट मैंने जो है जो अपने लिए प्रोटोटाइप मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक पॉकेट बनाई थी हैंड वार्मर, इसमें जब मैं डालता हूँ तो सारा दिन पूरी जैकेट गर्म रहती है। क्योंकि अब मैंने जर्मनी जाना है इस्पो 2020 पे, तो वहाँ जाने के लिए ज़रा लिक्विड फ्लूड वाला जो है ना फिर वो मुश्किल हो जाता है हैंड वार्मर, तो इलेक्ट्रिक हैंड वार्मर काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके साथ एक छोटी सी तार है 90 डिग्री वाली, ये है एक वर्किंग लैम्प, इसको आउटडोर लाइट भी कहते हैं। वैसे तो ये हाइकर्स यूज़ करते हैं बट मैं इसको कभी कभी बाहर हजामत करानी हो ना नाई से तो बाहर ले जाता हूँ, काफ़ी फायदेमंद है, बहुत लाइट है इसकी। इसको चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी साथ होती है। मुझे एक छोटा सा डाउट है इसके अंदर कि लाइक शायद ये पावर बैंक भी हो, बिकॉज इन्होंने साथ एक छोटी सी यूएसबी पोर्ट भी दी है। और इसके अंदर बड़ा सेल डलता है 18650 साइज का। वेदर शील्ड कवर के पीछे एक टाइप ए पोर्ट है और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, एक होगी चार्जिंग के लिए और एक पावर बैंक के लिए होगी। एक छोटा सा प्लास्टिक का हैंडल है जिसके साथ पकड़ के आप इसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। आगे बड़े से एलईडी बल्ब है दो। तीन तरह के इसमें लाइट मोड्स हैं, ब्राइट, लो और स्ट्रोब। वैसे यूज करने में एक बहुत ही हैंडी और कमाल की चीज है की स्मार्ट कंपनी का ये कीज ऑर्गेनाइजर है जो आपकी सारी चाबियां ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप में से किसी ने पहले विक्टोरिनॉक्स कंपनी की स्विस नाइफ देखी है ना तो ये उसी तरह की एक मिलती जुलती चीज़ है, बट इसमें और ही शशके हैं। इसको चार्ज भी किया जा सकता है और एक माइक्रो यूएसबी केबल साथ आपको देते हैं। इस की ऑर्गेनाइजर के साथ आपको एक बिल्ट इन बॉटल ओपनर मिलता है जिसके पीछे एक छोटा सा हुक है और उसके अंदर आप अपनी गाड़ी की चाबियां भी साथ लगा सकते हैं। आगे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। ये वो पोर्ट है जहां से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं मैंने अपनी चाबियां इसमें इंस्टॉल कैसे की, जिसको इंस्टॉल करने का तरीका तो है ही इंतहाई आसान। चाहे जैसी मर्जी आपकी चाबियां, उनके अंदर एक सुराख होना बहुत जरूरी है और इस की ऑर्गेनाइजर के अंदर मैक्सिमम आप 6 चाबियां एट अ टाइम रख सकते हैं। दो ही सिंपल से स्क्रूज हैं जिनको लगाने के बाद आपकी चाबियां हो जाती हैं सेट। मैंने अपनी यूजेबिलिटी को थोड़ा आसान करने के लिए ना एक सेपरेट मैग्नेटिक कीचेन भी फिर इसीलिए मंगाया कि मेरी जो यूजेबिलिटी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाए। आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी है जिसको चार्ज किया जाता है माइक्रो यूएसबी के साथ, क्योंकि वो बैटरी पावर करती है एक छोटी सी टॉर्च को जो कि आपको कभी दरवाजे में चाबी लगाते वक्त अंधेरे में थोड़ी हेल्प कर देती है। और इसकी ऑर्गेनाइजर के अंदर टाइल भी है, टाइल को डबल प्रेस करने से आप अपना मोबाइल लोकेट कर सकते हैं। और अगर आप रिवर्स चलना चाहें तो अपने मोबाइल से अपनी की ऑर्गेनाइजर को भी फाइंड कर सकते हैं। और टैग जैकेट के अंदर एक सेपरेट स्लॉट को मैं इस पर्पस के लिए भी यूज करता हूँ। और ये है टाइल प्रो। टाइल एक अमेरिकन कंपनी है जो लॉस्ट एंड फाउंड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया। तो ये किसी भी किचन के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, अपने बैकपैक के साथ इसको लगा सकते हैं, गाड़ी की चाबियों से भी इसको लगा सकते हैं। और इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है जिसको डबल प्रेस करने से आप अपना मोबाइल फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल से इस टाइल प्रो को फाइंड कर सकते हो। टाइल के पीछे एक सेल है जो कि रिप्लेसेबल है और ये कम से कम भी 1-2 साल आराम से निकाल जाता है। यह है स्टैशर कंपनी का एक फूड कंटेनर, इसके अंदर अपनी सब्जियां रख सकते हैं या कोई भी लाइक मीट रख सकते हैं जब आपने ट्रैवल करना हो। और ये जिस तरह एक जिप लॉक होता है ना सेम उसी तरह काम करता है, बट ये बहुत ही एक प्रोफेशनल लेवल का ट्रैवल प्रोडक्ट है। वैसे तो आपने चाइनीज लोगों की बहुत कमर्शियल देखी होंगी कि बड़ी जीपो ग्रिप किस्म की ना स्टिकी टेप्स होती हैं जिनके साथ कोई भी चीज़ आप लगाओ ना तो दीवार से चिपक जाती है। मैंने सोचा एक मैं भी अमेजोन से बाय करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। ये एक किस्म की ट्रांसपेरेंट डबल टेप है और इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होती है। 3M भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है बट ये प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है। उम्मीद है आपको टेक रिव्यू 9.0 पसंद आया होगा। ये एक बहुत ही तबाहियां उतारने वाला प्रोडक्ट था जो कि मैंने अगली टेक रिव्यू 10.0 के लिए किया है रिजर्व। मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है येसिन पाकिस्तान के नाम से, आप स्वाइप अप करके मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा एक पर्सनल पेज है जिसका नाम है येसिन पाकिस्तान, आप मुझे वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।